शेयर की थी एक्सेल, आपको याद होगा वो, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम जाके क्लाइंट को कुछ चीजें बना के पहले दिखाते हैं, जिसमें वो टाइटल डिस्क्रिप्शन सारी लगी हुई थी एक्सेल की फाइल के, डिफरेंट टैब बने हुए थे। तो वो नॉर्मली दो तरह का एसईओ हम ऑन पेज पे करते हैं। एक वो होता है जो जिसको हम क्लाइंट को दिखा भी सकते हैं, जो मैंडेटरी होता है, हर पेज पे लगना ही होता है, वो हम एक्सेल की शीट में, जैसे टाइटल था, डिस्क्रिप्शन था, आपका इमेज टैग था, H1 टैग थे, वो सारे, हम URL था सारा, वो एक एक्सेल की शीट में हम बना के क्लाइंट को दिखाते हैं, जो मैंने आपको लास्ट बताया था। अच्छा, उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो कह लें कि ऑन पेज के पार्ट हैं, और मे बी वो इस तरह की चीजें हैं जो डिपेंड करेगा कि आपने वेबसाइट में इस्तेमाल करना कि नहीं करना होगा, वो मे बी हर वेबसाइट के लिए ना हो। जिस तरह टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो जो टैग थे सारे, वो हर पेज के लिए मैंडेटरी हैं, वो इस्तेमाल आपको डेफिनेटली करने पड़ेंगे। लेकिन मैंने बात की, कुछ ऐसे भी टैग होते हैं जो कि मैंडेटरी किसी वेबसाइट के लिए हो सकते हैं, मे भी किसी के लिए उनका इस्तेमाल ना हो। उनमें से एक टैग जो भी हम बात करने लगे, बेसिकली इंटरलिंक के बाद, जो उसको ओपन ग्राफ टैग कहते हैं, ये ट्विटर कार्ड टैग भी कहते हैं, ये वो टैग है जो डिपेंड करेगा कि हमने इस्तेमाल करने या नहीं करने, क्योंकि ये हर वेबसाइट के लिए मैंडेटरी नहीं होंगे। ऐसा भी होगा, एक ही वेबसाइट के लिए कुछ पेजेस के लिए हम कर लेंगे, कुछ के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। वो इन ओपन ग्राफ टैग के हवाले से लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने। जितनी भी आपको याद होगा, मैंने गूगल के ब्लॉग का भी आपको लास्ट टाइम ऑन पेज दिखाया था, ये उसमें भी लगे हुए थे, ये हर बड़ी वेबसाइट में आपको लगे नजर आएंगे। पहले मैं आपको जो लगे हुए दिखाता हूँ किसी वेबसाइट में, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने एक वेबसाइट ओपन की, होस्टगेटर ही ओपन कर लेते हैं, मैं जाके राइट क्लिक करके आपको इनकी कुछ डिटेल दिखाता हूँ कोडिंग की। अगर आप देखें तो ये होस्टगेटर का ये वो पेज था जो उसका मेन पेज है, होम पेज है। इसमें आप देखेंगे तो टाइटल लगा नजर आएगा, आपको कीवर्ड नजर आएंगे, डिस्क्रिप्शन नजर आएगी ये वाली, और ये बात खत्म होगी। ये मैंने कहा कौन सा टैग है, जो ये उसका बिजनेस पेज है, ये उसका होम पेज है वेबसाइट का, बताने लगा हूँ। अब देखिए, इसी एक ही वेबसाइट के अंदर कुछ पेजेस पे वो ओपन ग्राफ टैग इस्तेमाल करेगा, कुछ पे नहीं करेगा। इसमें उसने ओपन ग्राफ टैग इस्तेमाल नहीं किए, अगर होते तो आपको यही नजर आते हैं। मैं अब आपको इसके अंदर वाले पेज पे लेके जाता हूँ, इसके किसी ब्लॉग पे लेके जाता हूँ, तब आपको समझ आएगी कि किन पेजेस पे लोग इस्तेमाल करते हैं, किन पेजेस पे इनकी जरूरत नहीं होती। अब मैं इसको आपको उसके ब्लॉग पे पेज पे लेके आया हूँ, आप इसको राइट क्लिक करें, इसके सोर्स कोड में आ जाएं। अब देखें, ब्लॉग पे आई तो आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं जिनकी मैं बात करने लगा, सब कुछ नजर आ रहा है। होम पेज पे नहीं थे, जब सर्विसेज वाले पेज पे नहीं थे, लेकिन ब्लॉग वाले पेज पे आपको नजर आ रहे हैं। एक ही वेबसाइट के दो पोर्शन है, एक उसका ब्लॉग है, एक उसकी सर्विसेज वाला पेज है। तो मैंने आपसे बात की कि सर्विसेज वाले पेज पे नो था और ब्लॉग वाले पेज पे यस है। इसका मतलब एक ही वेबसाइट में दो डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट स्ट्रेटजी के, ब्लॉग पे होगा और सर्विसेज पे नहीं होगा। नॉर्मली ऐसा ही होगा, अगर एक वेबसाइट में ब्लॉग और सर्विसेज दोनों होंगे तो फिर बिल्कुल ऐसे ही होगा, ब्लॉग पे होगा, सर्विसेज पे नहीं होगा जी। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है जैसे कोई फर्ज करें कि अर्निंग वेबसाइट है, उसमें ये डेफिनेटली होगा, जो अर्निंग वेबसाइट्स हैं उनमें डेफिनेटली होगा, लेकिन ब्लॉग वेबसाइट के अंदर मैंने बताया आपको कि उसमें ऐसे होगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या जी, इस ब्लॉग में क्यों है, उधर क्यों नहीं। इस ब्लॉग को लगाने का पर्पज ये है कि कभी कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है और उसको आपका आर्टिकल अच्छा लगता है,
तो हो सकता है वो पब्लिक के साथ शेयर करे, वो फेसबुक पे शेयर करे, वो ट्विटर में शेयर करे आपका आर्टिकल जो लिखा हुआ था। आपको पता आर्टिकल के नीचे आप लगाते हैं क्या कहते हैं उसमें शेयर का बटन लगा देते हैं कि फेसबुक पे शेयर करे, ट्विटर में शेयर करे। लेकिन जो सर्विस वाले पेज होते हैं नॉर्मली उनकी शेयरिंग नहीं होती, शेयरिंग उन पेजेस की होती है जिन पे कंटेंट आपने इंटरेस्टिंग रखा होता है, वो नॉर्मली ब्लॉग वाले पेज ही हो सकते हैं। सर्विस वाले पेज के ऊपर लोगों ने ये सोशल मीडिया के टैग नहीं रखे होते थे कि उनको शेयर भी कोई नहीं करता, लेकिन जो ब्लॉग के पेज होते हैं वहां जो बटन लगे होते हैं। आप ये चाहते हैं कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आके जब उस आर्टिकल को शेयर करे, फर्ज करें जैसे मैं इस वेबसाइट पे आया हूँ, इस ब्लॉग पे आया हूँ, मैं आके इसको शेयर करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे इसके आगे देखेंगे ये दोनों बटन लगे हुए। अगर आप इस बड़ी वेबसाइट पे देखेंगे दोनों बटन लगे हुए, आप इसमें क्लिक करें, आप इसमें क्लिक कर लें। बस करें कि अगर आप क्लिक करते हैं फेसबुक के ऊपर तो इस आर्टिकल को लोड करेगा और लोड करके फेसबुक में शेयरिंग के लिए आपसे कहेगा ठीक है ओके शेयर कर रहे हैं आप। देखिए कुछ जो आर्टिकल को आपने क्लिक किया उसने आर्टिकल को शेयर किया और ये उसने इमेज उठाया और ये उसने उसका टाइटल लिया, ये उसका यूआरएल लिया और उसने कहा जी ठीक है यहां से शेयर करें, पब्लिक करें, अपनी स्टोरी में करें, जहां आपने करना आप इसको शेयर करें। आप देखें जब मैं इसको शेयर करने के लिए गया उसने जो इमेज शो किया तो उसके साथ उसका लोगो भी लगा हुआ इमेज, आर्टिकल की हेडिंग देख लें जी उस आर्टिकल की हेडिंग है। मैं इसको मिनिमाइज करके अगर मैं आपको इस आर्टिकल पे लेके आता हूं, आप इस आर्टिकल को देखिए, इस आर्टिकल में तो बेशुमार इमेजेस लगे हुए हैं, एक नहीं कुछ 10 इमेजेस लगे हुए हैं इस आर्टिकल के अंदर, लेकिन उसने इमेज वो उठाया जो उसको समझ आया। अगर आप गौर से देखें तो इस पेज के अंदर प्रैक्टिकली वो इमेज आपको नजर ही नहीं आ रहा। देखिए अगर वो जो इमेज उसने वहां से लेके गया वो इमेज जहां नजर ही नहीं आपको आ रहा, जब आपने उसको शेयरिंग की बात की उसने जो इमेज शो किया वो इमेज आपके पेज पे नहीं था उस तरह से। देखें अगर आप देखें इमेज नजर आ रहा है आपको, लेकिन इसमें तो कहीं लोगो लगा नहीं हुआ, लेकिन इसमें प्रॉपर लोगो लगा हुआ है। मतलब ये था कि जब उसने आपने शेयरिंग की बात की तो उसने आपका टाइटल, इमेज, यूआरएल जो आप कहेंगे सोशल मीडिया पे वो शो करेगा। इसका मतलब ये होगा कि आप चाहते हैं कि जब आपकी पोस्ट वेबसाइट पे हो तो ऐसी नजर आए, लेकिन जब सोशल मीडिया पे जाए तो वो डिफरेंट तरह से डिस्प्ले हो। ये बिल्कुल वही बात है जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं तो शॉप पे आप देखें पीछे उसके चीजें पड़ी होती है, लेकिन उसने जो फ्रंट पे अपने शोकेस में चीजें रखी होती हैं उसका डिस्प्ले उसने उन्हीं चीजों का बड़ा बेहतर किया होता है। आप शॉप के सामने से गुजर रहे थे, आपको जब उसके वो शोकेस में चीजें नजर आई तो आप उनको देख के अंदर आ गए क्योंकि उसका डिस्प्ले बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो चीजें आप बैकएंड पे देखते हैं चीजें वही होती है लेकिन वहां डिस्प्ले वैसा नहीं होता। तो वेबसाइट पे थोड़ा सा डिस्प्ले सिंपल रखा जाता है, सोशल मीडिया पे आपको डिस्प्ले बेहतर करना पड़ता है क्योंकि सोशल मीडिया में यूजर स्पीड से मूव कर रहा है, आपने उसको रोकना है, उसको रोकने के लिए आपको डिस्प्ले ऐसा रखना पड़ेगा ताकि वो आपकी वेबसाइट पे आए, आपके फेसबुक पे लिंक पे क्लिक करे। उसके लिए आपने काम किया कि उसके लिए आपने ये काम किया कि आप ये चाहते हैं कि यूजर जब शेयर करे तो फेसबुक पे आप डिस्प्ले अपनी मर्जी का चाहते हैं, आप वेबसाइट का इमेज डिफरेंट कर सकते हैं, फेसबुक का इमेज डिफरेंट कर सकते हैं, आप वेबसाइट का टाइटल डिफरेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे जब आर्टिकल शेयर हो तो वो डिफरेंट टाइटल से आप कर सकते हैं क्योंकि वेबसाइट पे टाइटल बहुत सिंपल रखा जाता है और फेसबुक पे टाइटल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देना पड़ता है, अदरवाइज क्लिक नहीं होते। जो हमने लास्ट लेक्चर किया था ब्लॉग वाला उसी के साथ इसको हम कंटिन्यू करें, जो वो उसी के आगे प्रोसेस है, इसी तरह ट्विटर के साथ भी ऐसा ही है। फिर अगली बात कि फेसबुक और ट्विटर में इमेज का या ग्राफिक के साइज में फर्क है। जब आप पोस्ट शेयर करते हैं अगर आप नॉर्मल साइज में शेयर करेंगे तो हो सकता है फेसबुक पे जाके उसका डिस्प्ले ठीक ना हो सकता है जाके उसका ट्विटर में डिस्प्ले ठीक ना हो, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि वही इमेज आप जब फेसबुक पे शो हो तो डिफरेंट डिस्प्ले के साथ हो, ट्विटर पे शो हो तो डिफरेंट डिस्प्ले के साथ हो, जब वेबसाइट में शो हो तो डिफरेंट डिस्प्ले के साथ हो। आप इमेज का डिस्प्ले भी चेंज कर सकते हैं, आप उसके ऊपर जो टाइटल है अपना वो भी चेंज कर सकते हैं, वो अपने फेसबुक के मुताबिक आप एडजस्ट, उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन ये उन पेजेस पे होगा जिन पे आपको लगेगा लोग आपकी शेयरिंग कर सकते हैं। अगर आपको आर्टिकल को स्टैटिक से आर्टिकल आपका कोई अपडेटेड नहीं, आपको नई बात नहीं कर रहा है तो आपके सर्विस वाले पेज के साथ कभी भी ये काम नहीं हो सकता, इसलिए लोगों ने सर्विस वाले पेज पे ऑप्शन ही रखी होती है।
क्योंकि इससे आपका कोड बढ़ जाता है जी, उन्हीं पेजेस पे रखने का बेनिफिट होगा जिन पेजेस को पब्लिक शेयरिंग कर सकते हैं, उन पेजेस पे हम ये ऑप्शन लगाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। इसका बेनिफिट जो होता है कि आपकी सोशल ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सोशल ट्रैफिक आपको देख के क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ जाती है। जी इसमें कोई बात करना चाहिए जो मैंने डिस्कशन की, कोई क्वेश्चन, फिर हम इसको आगे ले करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था कि ये एडसेंस के लिए सोशल ट्रैफिक अच्छी है या गूगल की? कौन सा बात कर रहे थे? जी शहजाद फैसल, शहजाद फैसल बात कर रहा हूँ। मैंने पूछना था कि अगर गूगल ये हमें सोशल ट्रैफिक अच्छी रहेगी या कि गूगल की ट्रैफिक अच्छी रहेगी? असल में देखिए, मैं तो क्वेश्चन में आंसर यही करूंगा, ट्रैफिक गूगल की अच्छी रहेगी, लेकिन गूगल की ट्रैफिक के लिए एफर्ट ज्यादा चाहिए होती है। और लेकिन अगर आप दोनों ट्रैफिक बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की ट्रैफिक जल्दी आ सकती है, लेकिन वैल्यू ज्यादा गूगल की ट्रैफिक की, गूगल का क्लिक रेट बहुत अच्छा है। फिर उसमें के गूगल से ट्रैफिक आप डिफरेंट कंट्री से भी ले सकते हैं, जो ट्रैफिक सिर्फ पाकिस्तान की होती है और अर्निंग एडसेंस वेबसाइट पे, तो वो ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि पाकिस्तानी यूजर क्लिक कम करते हैं, क्लिक कर भी लेते हैं तो क्लिक रेट कम होता है, तो इसलिए ट्रैफिक बाहर की अच्छी कंसीडर की जाती है, गूगल की ट्रैफिक अच्छी कंसीडर की जाती है। मेरा ख्याल है अगर गूगल से आप 1000 गूगल से अगर आप 100 यूजर लेते हैं तो वो फेसबुक के 1000 यूजर से बेहतर है, क्योंकि गूगल का यूजर 100 आया था वो खुद चल के आया था, फेसबुक वाले को आपने खुद खींचा है, ये दोनों में फर्क है। बिल्कुल जी अब्दुल्ला जी, बिल्कुल डिफरेंट डिस्प्ले हम सेट करेंगे, और ये इस पे नहीं, बड़ी से बड़ी वेबसाइट पे भी ऐसे। मैं आपको एक और दो वेबसाइटें दिखाता हूँ, आप बल्कि ये देख लें, जो कोड सारा देख लें, गूगल की वेबसाइट पे भी ये कोड ऐसे लगा हुआ था, और देखें इसी होस्टगेटर के सर्विस वाले पेज पे कोड नहीं है, सिर्फ इसकी ब्लॉग वाले पेज पे कोड है। और मैं अब आपको गूगल एडसेंस वाली वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, ये एग्जाम्पल इनकी वेबसाइट पे बड़ी अच्छी आपको नजर आ जाएगी। मैं आपको डेली पाकिस्तान दिखाता हूँ, ये डेली पाकिस्तान वाले चूंकि गूगल एड पे अर्न कर रहे हैं, तो इनका इनकी वेबसाइट पे भी आपको जो ऑप्शन मिल जाएगी जो मैं आपको कहना चाहूँ, खासतौर पे इनका जो उर्दू वाला वर्जन, अगर वो कहीं से मिल जाए तो मैं आपको उसमें दिखाता हूँ ऑप्शन। आप देखिए कितने कितने बड़े इनके ऊपर एड लगे हुए, जो सारे ये एड आप देख रहे हैं, ये सारे वही एड है जो के क्योंकि इनकी ट्रैफिक अच्छी है, तो यू नो इस ऐड से डेफिनेटली बेनिफिट लेते हैं। अब आपको इस वेबसाइट पे मैं लगा दिखाता हूँ सारा जे, अब इसकी कोई न्यूज उठा के देख लें, आपको इसमें मैक्सिमम न्यूज पे वही होगा जो हम बात कर रहे हैं अभी क्लास में। फर्ज करें कि इसकी मैं एक कोई न्यूज उठाता हूँ, इसकी कोई आप न्यूज पकड़े, इसमें आपको इसका पता चल जाएगा कि जो हम बात कर रहे हैं। लेट से मेरा मैंने ये न्यूज आपको दी है इसकी, देखिए आप ये न्यूज आप इसकी वेबसाइट पे रीड करें तो आप इसका ग्राफिक देख लें, हेडिंग देख लें, आप इसकी ग्राफिक देखें इसकी, और चांस है कि जब मैं इसको फेसबुक सोच दीजिए देखें कि जो लोग एडसेंस की बात कर रहे थे बिल्कुल इनके ऊपर गूगल के ऐड चल रहे हैं। अच्छा आप आ जाएंगे, अगर आप इस आर्टिकल को आपको पसंद है और आप इसकी शेयरिंग करना चाहते हैं, उस केस में क्या होगा, मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखें कहीं बटन होगा फेसबुक पर जो नजर नहीं आ रहा किधर है, सर आई थिंक इस स्क्रॉल बार के साथ लग रहा
नहीं ये तो उसने ये खोल दिया ना, उनका पेज खोल दिया, मैं पेज नहीं देखना चाह रहा था, मैं इस आर्टिकल को स्पेशली शेयर करना चाह रहा हूँ। तो लोग अगर इधर बटन नहीं मिल रहा तो मैं आपको फेसबुक पे जाके दिखाता हूँ। आप इधर से कोई इनकी न्यूज पे आके देख लें, इनकी न्यूज आप वेबसाइट पे देखेंगे फिर आप फेसबुक पे देखेंगे, तो दोनों में डिफरेंस आपको नजर आएगा। मैं भी आपको पहले फेसबुक पे दिखाता हूँ इनकी न्यूज। ये देखिएगा अभी अभी आप ये देख रहे हैं न्यूज, ये वाली इसी को टाइप कर लेते हैं। देखिए इसके ऊपर ये इसकी ये इस ग्राफिक या लोगो लगा हुआ है इसके ऊपर, और इसके ऊपर कैप्शन भी दी हुई है, नीचे इसकी हेडिंग आ रही है, ये ऊपर लिंक है, मैं लिंक पे क्लिक करके स्पेसिफिक न्यूज पे दिखाता हूँ, होपफुली इसमें फर्क हो। आप देखेंगे जब आप उस न्यूज को पढ़ने के लिए, देखिए वेबसाइट पे ये पिक्चर लगी हुई है, और देखिए वेबसाइट पे कोई पिक्चर ऐसी नहीं जिसको देखे लोग फेस, अगर यही पिक्चर मुझे बता दें कि अगर आप फेसबुक पे देखते तो आप किसी पे क्लिक ना करते। आप देखिए किसी का डिस्प्ले अच्छा नहीं है, कोई क्लियर मैसेज नहीं है वेबसाइट पे, लेकिन आप जब वही चीज आपने वेबसाइट पे देखी फेसबुक पे देखी तो जहां देखिए डिस्प्ले कितना अच्छा, कितनी उन्होंने पिक्चर ऐसी शो की कि कहीं बारिश हो रही है, और प्रॉपर हेडिंग कैसे दी, आपको लगेगा इस पे क्लिक करने करना, वो हेडिंग इतनी इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि आप उस पे फौरन क्लिक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगली पोस्ट देख लें, इस पर मैं आपको दिखाता हूं। अब ये पोस्ट से कोई मैच के हवाले से इसकी भी जाके वेबसाइट पे देख लें क्या सूट, ये देखें ये बिल्कुल वही वेबसाइट पे देखें ये पिक्चर लगी हुई है। अब मुझे बता दें कि अगर ये पिक्चर फेसबुक और ट्विटर पे होती ये कज़ाफी वाली तो आप कभी कोई इस पे क्लिक ना करता, क्योंकि पिक्चर में कुछ है ही नहीं। लेकिन जब आपने इसको फेसबुक पे देखा तो उसने डिस्प्ले ऐसे दिया आपको, प्रॉपर हेडिंग बनाई और थोड़ा सा आपको प्रॉपर बात नहीं की खबर आ गई, क्लिक करेंगे तो पता चलेगा अंदर इसके क्या इंफॉर्मेशन। तो ये अब ये चीजें सारी ये कहां कैसे होती हैं, देखिए अगर तो डेली पाकिस्तान वाला जो पोस्ट खुद करेगा तो ये खुद डिस्प्ले कर सकता है। हमारा तो टारगेट है कि पब्लिक आके हमारी पोस्ट को शेयर करे तो फिर ऐसा हो, उसके लिए फिर आपने वेबसाइट में ऐड करनी होती है ताकि पब्लिक शेयर करे और पब्लिक शेयरिंग के ऊपर डिस्प्ले ऐसा हो, तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट में चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। आप ऐड करेंगे तो देन डिस्प्ले इसका ठीक होगा। इसमें कोई क्वेश्चन करे मैंने आपको उसका बताया, फिर इसकी लैब कर हाँ बिल्कुल बटन आ रहा है नीचे, वो बटन नजर नहीं है लेकिन बटन है पेज के ऊपर। अच्छा अब ये काम होगा कैसे पॉसिबल, लैब इसकी कह देंगे इंतहाई आसान, जो साहब पूछ रहे हैं कैसे होगा आप आ जाएं, उसके लिए आपने वेबसाइट में जाके इसको हम परफॉर्म करके देख लेते हैं अभी के लिए काम कैसे होना है। उसके लिए एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं यूजर ने पासवर्ड अरेंज कर लूँ फिर मैं आपको इसका टेस्ट करवाता हूँ। अच्छा आगे के डिस्प्ले आपके सामने आ गया, देखिए ये कैसे पॉसिबल। इसमें आपको याद होगा हमने एक पोस्ट करने जाते हैं,
जे भी आप जितने क्वेश्चन कर रहे हैं सबको आंसर मिल जाता है। अभी देखें कि जब आप जहां जाएंगे, आप याद होगा जब हमने लास्ट लेक्चर में फुटर पे जाके जहां से एसईओ पे क्लिक करके जहां से टाइटल डिस्क्रिप्शन सेट किया, आपको याद होगा लास्ट हमारी लैब इसी पे थी। इसके साथ ही एक बटन नजर आ रहा है आपको सोशल, उसी प्लगइन के अंदर ऑप्शन है कि सोशल बटन नजर आ रहा है आपको, उस पर क्लिक करें। जैसे सोशल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने क्या करना। देखें आपको पूछ रहा है कि आपने फेसबुक के लिए, ये इसकी हेडिंग पढ़ें, अब वो कहता है कि आपने करना कैसे। इसमें आप लिखें टाइटल, आप कहते हैं कि फर्ज करें आपने कहा जी एसईओ ट्रेनिंग फेसबुक टाइटल, जस्ट मैंने वर्ड लिखे जो भी आप लिखना चाहते हैं। इसी तरह इधर आके आप डिस्क्रिप्शन लिखें, और इसी तरह नीचे उसने कहा कि आप फेसबुक पे इमेज कौन सा डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसका साइज ये होना चाहिए, वो इमेज आप जहां से अपलोड करें। अब जिस साइज का आपके पास वो इमेज है उस आपको वही साइज में करना पड़ेगा जो उसने 12x6x30 बताया, और देन आप उस इमेज को जहां से अपलोड करेंगे, जैसे अपलोड करेंगे इमेज आपका चला जाएगा। फिर ऐसे जब आप नीचे आएंगे तो आपको ट्विटर वाली ऑप्शन नजर आ जाएगी, और ट्विटर में देखें वो कहता है टाइटल लगाएं, अपनी डिस्क्रिप्शन लगाएं, और ट्विटर में देखें इमेज का साइज में फर्क है। आपने जहां जाके उसको इमेज अपलोड कर देना जो ट्विटर पे डिस्प्ले हो। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका इमेज फेसबुक जाएगा, और इमेज फेसबुक पे इमेज डिफरेंट हो सकता है, साइज डिफरेंट हो सकता है, आपके ट्विटर पे इमेज डिफरेंट हो सकता है, साइज डिफरेंट हो सकता है, आपकी वेबसाइट का इमेज डिफरेंट हो सकता है, उसका साइज डिफरेंट हो सकता है। आपको तीन डिफरेंट जगह पे तीन डिफरेंट तरह का डिस्प्ले ले सकते हैं। अदरवाइज जो वेबसाइट पे इमेज लगता है वो सोशल मीडिया पे जाके नॉर्मली एडजस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि साइज में फर्क है, और जब साइज में फर्क होगा तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब आप जाके फेसबुक पे कोई बंदा शेयर करेगा, जब इमेज का डिस्प्ले ठीक नहीं होगा, जब इमेज का डिस्प्ले ठीक नहीं होगा तो आपको क्लिक भी प्रॉपर नहीं मिलेंगे, आपका CTR मैनेज नहीं होगा, क्योंकि लोग आपको देख के इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपका इमेज का डिस्प्ले ठीक नहीं है। अक्सर इमेज और कैप्शन को देख के तो लोग क्लिक करते हैं, उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। जी बच्चों करें बात, इसमें कैसे होना, जस्ट फॉर्म फिल करना आपने। हाँ जी, अब अगली बात कि आप जहां टाइटल ज्यादा इंटरेस्टिंग रखेंगे वेबसाइट के टाइटल से, जहां टाइटल ज्यादा इंटरेस्टिंग रखेंगे वेबसाइट के ग्राफिक से, आप ज्यादा जहां ग्राफिक ज्यादा अच्छी बना के रखेंगे और ग्राफिक के ऊपर आप अच्छा मैसेज देंगे जो वेबसाइट के लिए मे बी आपने ना दिया, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्राफिक हो सकती है। वेबसाइट पे थोड़ी सी आपको ज्यादा मैच्योर ग्राफिक देनी होती है, आप फेसबुक पे थोड़ा सा फेसबुक के नेचर के मुताबिक ग्राफिक दिए ना जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, वो आपकी मर्जी, वो खुद बनाए डिजाइन करें, उसके ऊपर अच्छा मैसेज लिखें और उसको लगा दें। लेकिन ये नॉर्मली सर्विस वाले पेज के लिए नहीं होता, ये उन पेज के लिए होता है जिनके ऊपर आपका जिनके ऊपर आपका आप कह लें कि जिनको लोग शेयर कर सकते हैं उनके लिए होता है। ये बच्चे इस पे कोई क्वेश्चन करना चाहें, मैं ज्यादातर एक ही ग्राफिक को बनाता हूँ, तीनों मीडियम के लिए ग्राफिक बनाने में बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है, जलासा पर मारा है मैं एक ही बनाता हूँ, ये हो सकता है कि आप थोड़ी सी ग्राफिक पर ऐसी बना लें वो वेबसाइट पे भी चल जाए। लेकिन देखें अगर नॉर्मली वेबसाइट के ऊपर जो ग्राफिक लगती है उसके ऊपर टेक्स्ट नहीं लिखा जाता, वो एक अच्छी ऑप्शन नहीं, कोई भी नहीं लिखता। लेकिन फेसबुक पे अगर हम टेक्स्ट नहीं लिखते होता, अब आपको अगर पता है कि फेसबुक से क्लिक नहीं आने अदरवाइज, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे ग्राफिक के ऊपर ऐसा इंटरेस्टिंग मैसेज लिखा होता तो आपको क्लिक किए बगैर आप रह नहीं सकते, जिस तरह आजकल वो
कोरोना के वाले से नई नई लोग खबरें बना के शेयर कर रहे होते हैं कि पाकिस्तानी डॉक्टरों ने कैसी चीज बना दी जो कोई नहीं बना सका, जब उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं बनाया होता उन्होंने, लेकिन वो क्लिक आपसे ले लेते हैं, और लेकिन लोग उसको नीचे बुरा भला भी कह रहे होते हैं उस पोस्ट के नीचे कि आपने ऐसा किया, डेली बात, ये सारे मीडिया वाले ऐसे ही करते हैं, एक्सप्रेस वाले, जियो, सारे ऐसी ग्राफिक बनाते हैं कि बंदा क्लिक करके फौरन अंदर जाता है, जब अंदर जाता है तो वो चीज ढूंढ रहा होता है कि काम की चीज किधर है। तो मेरा ख्याल है ज्यादा इतना छोड़ना मुनासिब नहीं होगा कि रीजनेबल आप हेडिंग दें ताकि यूजर को बाद में ये ना फील हो के वो बाद में फिर आपकी किसी पोस्ट में भी नहीं आता अगर आप इस लेवल तक चले जाते हैं कि आप फेक न्यूज देना शुरू करते हैं। ये बच्चों के क्वेश्चन याद है। अच्छा, अब इसका डिसाइड आपने खुद करना, अगर क्लाइंट की वेबसाइट है 10-12 पेज की वेबसाइट है तो ये ऑप्शन कभी नहीं हम लगाते, जरूरत नहीं इसकी, ये तभी लगेगी जब आपकी ये आपको जरूरत तभी लगेगी जब आपको उस वेबसाइट के अंदर ब्लॉग की ऑप्शन हो, जब वेबसाइट का सब्जेक्ट ऐसा हो। जी बिल्कुल, ऐसे ही एमएस साहब, ऐसे ही ब्लॉगर में भी ऐसी ऑप्शन होती है, ये सब में, क्योंकि जिस वेबसाइट जिस पेज ने डेली अपडेट होना उस पे ऑप्शन ये मैंडेटरी है, जो अपडेट नहीं होता वहां ऑप्शन देने की जरूरत नहीं। चले जी, आगे अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बात करें। नेक्स्ट आते हैं कि अगली डिस्कशन नाम करते हैं कि जो वेबसाइट में पेजेस के अंदर इंजेस लगे होते हैं उनके साथ आपने क्या ट्रीट करना है, क्योंकि आपको पता कि दुनिया में नंबर 2 ट्रैफिक अभी भी आपकी इमेजेस के हवाले से, गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो पहला पेज आपको टेक्स्ट ट्रैफिक दिखाता है, दूसरे में वो आपको ले जाता है ग्राफिक के ऊपर। तो अब आपकी वेबसाइट पे जो ग्राफिक आपने अपलोड की है उसको भी आप चाहते हैं कि वो भी रैंक हो, वो भी ट्रैफिक ले, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी ब्लॉगिंग टाइप की वेबसाइट और हर पोस्ट के अंदर आपने 2-3-4 इंच लगा के रखे हुए हैं तो आपके इमेज भी रैंक हो सकते हैं, आपके इमेज भी आपको ट्रैफिक दे सकते हैं। अच्छा, अब इमेज की थोड़ी सी क्वालिटी पे पहले मैं बात कर लूँ। इमेज की तीन तरह से मार्केट में इमेज के हवाले से काम हो रहा है कि इमेजेस कहाँ से लेंगे, तो मैं आपको गाइड करूँ कि लोग इमेजेस कहाँ से लेते हैं। एक ऑप्शन होती है कि आप जैसे मार्केट में है कि लोग बड़ी कुछ चंद वेबसाइट्स हैं जो ग्राफिक सेल करती हैं, इमेजेस सेल करती हैं, लोग वहां से भी लेते हैं। अब अगर तो आपका सर्विसेज की वेबसाइट 10-15-20 पेज है तो आप 5-10 इमेजेस बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी वेबसाइटें अच्छी ग्राफिक सेल करती हैं जो कि यूनिक होती हैं। दूसरी ऑप्शन है कि लोग खुद भी बना सकते हैं अपने कैमरे से, वो भी ऑप्शन है, कॉपी पेस्ट में नहीं आएगी, यूनिक हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन ये कि लोग जो ब्लॉग टाइप लिखते हैं उनको चूंकि ग्राफिक्स ज्यादा चाहिए होती है तो वो बाय नहीं कर सकते, उनको वो कॉस्टली है कि हर एक ब्लॉग के लिए वो इमेज बाय करें। वो लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से इमेज उठाते हैं, थोड़ा सा उसको चेंज कर लेते हैं, उसमें अपना बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, अपने लोगो लगा लेते हैं, अपना को फोटो उसके ऊपर लगा लेते हैं, जिस तरह अभी आप डेली पाकिस्तान वाले की पोस्ट से देख रहे थे जो डेली पाकिस्तान वाले ने किया हो, तो इस लेवल का लोग काम ये कर लेते हैं कि इमेज इंटरनेट से उठा के उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लिया, मतलब इमेज आपने लिया इंटरनेट से ही है लेकिन आपने उसको अपनी जरूरत के मुताबिक उसको थोड़ा सा बेहतर करके इस्तेमाल कर लिया। अब उसमें नॉर्मली कंपनी के पास डिजाइनर्स होते हैं जहां आप उसको डिजाइनर को कहा जाता है कि आपने इस इमेज की बेस खुद बनानी है, लोगो लगाना है और फोटो लगाना है और कुछ कलर इसमें फिल करके आपने ट्राई करनी कि 40-50% इमेज डिफरेंट हो जाए, इसकी कोडिंग चेंज हो जाए,
तो लोग वो भी एक अच्छी ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन था ना जैसे आप डेली पाकिस्तान वाला काम करता है कि डेली इमेज बाई नहीं कर सकता जैसे, तो ये यही काम करता है कि इमेज इंटरनेट से लेके उनको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, उसको चेंज करने से इमेज को कुछ ना कुछ यूनिक बना लेते हैं। मैं इसका कुछ ना कुछ आपको पहले फॉर्मेट भी दिखाता हूँ कि कितना लोग यूनिक करते हैं, किस तरह करते हैं, इसी का मैं दिखाता हूँ जो डेली पाकिस्तान वाला काम कर रहा है। इनके फेसबुक पेज पे आइएगा, फर्ज करें कि ये देखें कि इसकी और भी इमेज देखें, ये इमेज उसने ये तस्वीर उठाई है, लोगो लगा दिया, इतना पोर्शन उसने कलर शलर चेंज किया, नीचे उसने अपना अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी। ये टेक्निक है कि वो 30-40-50% तक तस्वीर नेट से लेते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, उसके ऊपर कलर लगा के, अपना मैसेज लगा के, लोगो लगा के, अपने मोबाइल फोन नंबर लगा के, वेबसाइट का नेम दे के, कुछ बेहतर लोग कर लेते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो कॉपी पेस्ट कर रही है वो इंटरनेट से उठाती है, उठा के एज इट इज फिट कर देती है। मेरा ख्याल ऑप्शन नंबर 2 ज्यादा सूट करेगी, क्योंकि 1 थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है कि आप हर इमेज बाय करें, लोग ज्यादातर खासतौर पे मैंने कहा अगर 4-5-10 पेज की वेबसाइट हो तो बाय किया जा सकता है, लेकिन अगर बड़ी वेबसाइट है तो फिर यही टेक्निक है जो मैंने अभी आपको बताई है कि आप ऑप्शन 2 वाली इस्तेमाल कर लें। अगर मेरे से पूछेंगे आप ज्यादातर ऑप्शन 2 पे, इमेज इतने सस्ते नहीं है मार्केट में अगर आप इमेज लेने भी जाते हैं, बल्कि मैं आपको कुछ वेबसाइटें दिखाता हूँ कल को अगर आपने पाकिस्तान में भी ऐसी वेबसाइटें बनना शुरू होगी, बल्कि एक वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको अंदाजा भी होगा। ये पाकिस्तानी वेबसाइट है, पहले आपने बाहर की है, सॉरी सर अभी आपको वेबसाइट में दिखाता हूँ, पहले आपने कोई इंडियन वेबसाइटें सुनी थी जहाँ बाहर की, पाकिस्तान के अंदर भी जो काम शुरू हो चुका है, ये देखिए ये एक पाकिस्तानी कंपनी है जो बेसिकली क्या करती है, डिफरेंट तरह के इमेज शूट करते हैं, वो इन हाउस सारा सेटअप बना हुआ उनका, डिफरेंट लोग हैं जो वहां आके अपने वो इमेज सेल करते हैं, इन इमेज को जो कहले के डिफरेंट लोगों को सेल करते हैं, इनके पास हर सब्जेक्ट के इमेज है कि आपको कैसा इमेज चाहिए, तो जैसा आप इनसे लेना चाहेंगे, ये इनका अच्छा खासा रेट है इसका, अगर आप में से कल को कोई ऐसा बिजनेस करना चाहता है तो बिल्कुल ऐसी ऑप्शन है। मैं बल्कि इनके आपको इनकी प्राइस दिखाता हूँ तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर इस बिजनेस का लोग कितना चार्ज करते हैं, ये देखें कि क्योंकि हम इसलिए नहीं जाते, जो कि हमें तो देखिए मसला हो जाता है ना कि इतना कौन पे करेगा। आप देखिए वो कह रहा है कि आपने अगर 20 इमेजेस लेने हैं तो 20 आपको मिलेंगे $280 के, 280 को मल्टीप्लाई करके अभी भी ये डिस्काउंट दे रहा है मेरा ख्याल है, और 280 को मल्टीप्लाई करें 160 से तो आपकी तो 50,000 के तो 20 इमेज बनेंगे, आपको पता है 50,000 के अंदर तो हम 10 वेबसाइट बना लेते हैं, तो हम नहीं लेते इधर, इसलिए हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन ट्रेंड ये बनेगा आहिस्ता आहिस्ता कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो इस तरह की मार्केट में एजेंसी है पाकिस्तान में भी जो इस तरह की खुद छूट करके जिसको सेल करती है। सर कॉपी पेस्ट में क्या मसला, उसमें क्या इशू आ सकता है? कौन सा फरमा रहे हैं कॉपी पेस्ट में कौन मसला, किसने जी थका हुआ क्वेश्चन किसने किया जी? सर मैंने जमाने का जमान साहब कॉपी पेस्ट में वही मसला है ना कि आप जिस तरह कंटेंट में मसला था, किसी का आर्टिकल उठा के लगा रहे हैं, आप गूगल में आप सर्च करें एक चीज तो अगर सारे इमेजेस एक जैसे आ जाएंगे तो वो यूजर नहीं डिस्टर्ब होता, गूगल की अपनी क्वालिटी नहीं उसमें इशू बनता, उसपे एक सर्च में सारे इमेजेस एक जैसे आ रहे हैं जी। आप जो बात आपने काम करें तो अगर आपके यूनिक इमेज होते हैं तो रैंक भी बड़ी जल्दी होते हैं। देखिए जो इमेजेस के अंदर ज्यादा कंपटीशन है वो तो यूनिक तो इमेज पे काम ही काम होता है, हमारे तो 70% लोग हैं वो तो कॉपी पेस्ट ही चलाते हैं, यूनिक रखते हैं तो उनको पे बैक करता है जो काम उनका, कि उनकी रैंकिंग आसान हो जाती है, वो इमेज किसी और के पास नहीं होगा, वो उन्हीं के पास होगा। अभी उसको ऑप्टिमाइज करने वाले स्टेप और है, अभी तो हम सिर्फ बनाने के हवाले से बात कर रहे हैं कि भाई क्या क्या ऑप्शन है जी। एक्चुअली सर वो मैंने यही देखा ना कि वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो वो मैं यही देख रहा था कि उसमें क्या मसला आ सकता है, मैं क्या अगर फेस करना है। कॉपी पेस्ट में रैंकिंग में मसला आ सकता है अगर आप, और तो कोई इशू नहीं है।
और वैसे भी अगर आपने किसी के इंटरव्यू आए हुए अपने किसी कंपनी के अंदर, वो गूगल को जब फेसबुक को कंप्लेन करता है उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन होता है कि आपने किसी की चीजें उठाई हुई है। आप फेसबुक पे भी कंप्लेन कर सकते हैं, गूगल पे भी हो जाती है कि अगर आपकी चीज किसी के चीजें किसी ने आपकी कॉपी पेस्ट की है। लेकिन अगर कोई नहीं भी करता तो रैंकिंग में तो मसला बनेगा, समटाइम आप रैंक कर भी जाते हैं। लेकिन मैंने आपको तीनों ऑप्शन बता दी कि मार्केट में तीनों काम हो रहे हैं। पहली ऑप्शन बहुत बेस्ट है लेकिन हाईली पेड, दूसरी ऑप्शन कह लें कि आसान है कि आप किसी का इमेज लेके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, चेंज कर लें, 30-40% मेरे को वही ऑप्शन हमें सूट करती है। लास्ट ऑप्शन ये है कि आप फिर कॉपी पेस्ट करते हैं, उसका फिर नुकसान होता है। नहीं हमारा सब जो आपने जो वेबसाइट शेयर की है, अगर किसी वेबसाइट पे फ्री पड़े हुए हैं तो वो सबने उतारे होंगे, वो फिर सबके पास ही होंगे, तो वो इश्यू तो वही रहेगा। बिल्कुल हाफिज साहब, आपने किसी भी तरह का इमेज आपको चाहिए हो आप उस कंपनी से रब्ता करें, अगर उनके पास नहीं होंगे तो वो प्रॉपर शूट करके देते हैं। वो आपने रिक्वेस्ट करें कि मुझे इस तरह की ग्राफिक चाहिए, वो आपको बिल्कुल देंगे ग्राफिक उसकी, और आप देखेंगे और बना के देते हैं। उनके पास ऐसी ऑप्शन होती है, उनके पास पूरे मीडिया हाउस होते हैं, वो उसके शूट करके आपको देते हैं कि किसी के साथ मैच है। और ये तो पाकिस्तानी वेबसाइट है, अभी रेट कम है। मैं इंडियन वेबसाइट देख रहा था, उस पर तो बहुत ज्यादा रेट है इसका, कि लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं अगर आपको ये ग्राफिक वाला काम करते हैं। मैं बल्कि आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, अगर मुझे हम जब फ्री का वर्ड डाल देते हैं तो सारा काम वहीं से खराब हो जाता है। मैं एक इंडियन वेबसाइट थी, मुझे उसका नाम नहीं याद, अगर मिलता तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा खासा वो चार्ज करते हैं इसका। इनके फुल टाइम बिजनेस है बेसिकली ये डिजिटल, कह लें कि इंटरनेट पे इसी काम में अपना काम करते हैं। छोटे पास 150 चलो जो भी वेबसाइट है, जो भी रेट है, जैसे मैं आइडिया दे रहा हूँ कि इन पे अच्छा खासा चार्ज करते हैं जी, लेकिन इनके इमेजेस भी क्वालिटी के होते हैं जी, खुद बना के अपलोड करते हैं। अगर मैंने कहा अगर सर्विसेज के पेजेस हों तो हम बाय कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत पॉजिटिव सोल्यूशन। ज़िया साहब डिजाइनर बैठे हैं, ज़िया साहब कहाँ से लेते हैं इमेजेस आप डिजाइन करने के लिए?
ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें करने वाली बात जो है, जो हमारी हमारा क्या हम उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको आप देखें, और इस पे कुछ इतने कॉमन है कुछ थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो हमें करनी पड़ेगी। नंबर वन के जो भी इमेज अपलोड करेंगे वो हमारे टेक्स्ट से रेलिवेंट होना चाहिए, ये आप जानते हैं कि जो भी टेक्स्ट अपलोड करेंगे इमेज वैसा हो। फिर उसका प्रॉपर एक फाइल नेम हो, बात ऑफ 1, 2, 3, 4 नेम रख के भी हम उसको अपलोड कर लेते हैं, प्रॉपर नेम हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसका साइज क्या हो, जो भी हम बात कर रहे थे कि फेसबुक का साइज और है, पोस्ट का, ट्विटर का साइज और है, आपने उस इमेज को लेके कहाँ जाना है उसके मुताबिक उसको साइज सेट करना पड़ेगा। आपको याद है मैंने वो एक शुरू में एक आपको बताया था कि आप सोशल मीडिया जाके चीर शीर सर्च कर लें तो आपको ये चीजें मिल जाती हैं सारी। गूगल में जाके आप लिखेंगे, ये देखिए तो सोशल मीडिया चीर शीर 2020, तो आपको इस साल के सोशल मीडिया के जो भी साइज हैं आपको जहां से मिल जाएंगे कि आपने कौन सी पोस्ट किस साइज में रखनी, फेसबुक के, ट्विटर के, लिंक्डइन के, सबके मिल जाते हैं, उसी के मुताबिक फिर पोस्ट को हम डिजाइन करते हैं। तो उसका साइज हाइट विड्थ वही हो जो वेबसाइट में भी आप देखें, वेबसाइट में पोस्ट करने जाते हैं तो वो भी आपको रिकमेंड करता है कि आपने साइज क्या रखना। इस तरह इधर भी आपने ख्याल रखना, अगर आपको याद हो वेबसाइट में जब हमने लैब की थी इधर भी अगर जाके आपको इमेज कॉल करें तो वो भी आपको बता रहा होता, देखें वर्डप्रेस में जाके आपको इमेज लेके आते हैं अपलोड करें तो वो वहां भी ऑप्शन होती है कि आपने इमेज किस साइज में लेके आते हैं। आपको सेंटर कर सकते हैं, उसके बाद राइट पे ऑप्शन होगी कि आपने क्या साइज रखना है। अब आपको खुद एक दफा उस इमेज को करके चेक करना पड़ेगा, देखिए उसमें 100% की ऑप्शन है कि 100% वो एडजस्ट हो जाए, पूरा आपके पेज में अब एडजस्ट हो गया। इसमें आप एक दफा अगर नहीं समझ आती तो एक दफा एस ऑप्शन क्या है इसको दोबारा से रीसेट कर लें, वो आपको फुल ऑप्शन देता कि आपने इसका साइज क्या रखना है, लेकिन साइज वो जो डिस्प्ले में पूरा हो। उसके बाद जो अगली बात की उसका फाइल साइज आपने कंप्रेस करना है। आपको याद होगा मैंने एक सॉफ्टवेयर आपको दिया था, दोबारा दिखा देता हूं, जब हम शुरू में काम कर रहे थे फॉर्मेट फैक्ट्री, और भी सॉफ्टवेयर हैं। ये सॉफ्टवेयर का बेसिक पर्पज ये कि ये आपकी ग्राफिक का साइज कम कर देगा, अगर आप इसको वीडियो देंगे तब भी साइज कम कर देगा, आप इसको ग्राफिक देंगे तो तब भी साइज का कम कर देगा। इसमें ऑप्शन होती है कि आपने किस साइज को कम करना है, वीडियो को कम करना है, ऑडियो कम करनी, अगर आपने पिक्चर में जाना है तो आप बताएं इसको। फर्ज करें कि मैं अगर इसको ग्राफिक की बात भी करता हूं तो आपसे पूछेगा कि आपकी इमेज किस साइज, आपके पास जो इमेज आ रही है वो किस फॉर्मेट में, आप बताएंगे ये फॉर्मेट है। जैसे इमेज अपलोड करेंगे तो आप जाके इसकी आउटपुट सेटिंग कर सकते हैं, आउटपुट में आपने इसका साइज क्या रखा, इससे आप अपना इमेज का साइज जो फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि उस इमेज का आपने कैप्शन भी सेट करना हो। आपको याद है जब हम वर्डप्रेस में लैब करने के लिए जाते हैं तो आप देखें जो मैंने इमेज अगर अपलोड किया है तो मुझसे वर्डप्रेस पूछ रहा है कि आप इसका कैप्शन राइट करें, यहां से कैप्शन वो इंफॉर्मेशन आप उस इमेज के हवाले से जहां आप लिख सकते हैं कि इसकी कैप्शन क्या है। कैप्शन का मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो उस इमेज को बेस्ट डिस्क्राइब करे। जरूरी नहीं कि आपका नॉर्मली जो कीवर्ड नहीं होता, ये थोड़ा सा डिटेल दी जाती है कि 5, 7, 8 वर्ड के अंदर आप उस इमेज को फुल डिस्क्राइब करेंगे क्या बात होने लगी। और दूसरी बात कि जब आपको कैप्शन दे रहे थे तो साथ एक और भी ऑप्शन थी, आपका इमेज ज्यादा डिजिटल होना चाहिए इंजन में, आपकी
इसकी मैंने कुछ डिटेल साइड में रखी, अगर आप आर टैक्स लगाते हैं उसके लिए बेनिफिट आपको हो सकते हैं। आप जब भी इमेज अपलोड करेंगे तो उसका आप देखेंगे प्रॉपर कीवर्ड क्या बनता है, तो कीवर्ड लगा के आप अपने इमेज को जान से अपलोड करें, ठीक है। वो आपसे चीजें आप ये ना भी फिल करेंगे पोस्ट अपलोड हो जाती है, लेकिन आप उनको किस करेंगे तो फिर जो एक सर्टिफिकेट आपको बेनिफिट मिलना था, एक यूजर के वाले से बेनिफिट आपको मिलना था, वो नहीं मिल पाएगा। आपने प्रॉपर जहाँ से कैप्शन देनी है उसके प्रॉपर जहाँ से आपने आ रही फिर आप इसे इमेज बच्चों जहां तक कोई क्वेश्चन जो लोग कर रहे हैं उसमें जो लोग कह रहे हैं कैप्शन का मतलब ये होता है कि आप कैप्शन को ऐसे कंसीडर करें जैसे फेसबुक के केस पे उसने इमेज के ऊपर लिखा हुआ था सारा कुछ कि आप उस कैप्शन को देख के क्लिक कर लेते हैं। इस तरह वेबसाइट के अंदर हम इमेज पे नहीं लिखते, इमेज के नीचे लाइन लगा देते हैं, कैप्शन इमेज के नीचे एक लाइन को कहते हैं जो ऊपर या नीचे, जिस तरह वर्डप्रेस में वो आपको कह रहे हैं कि आप जहाँ कैप्शन लिखें, फर्ज करें कि मैं जहाँ लिखता हूँ कैप्शन ये देखें ये मेरी कैप्शन है, मैं इस आर्टिकल को अपलोड करके दिखाता हूँ और ये मेरा इसमें फर्ज करें कीवर्ड है जो जाके मैंने इसके आर टैग में लगाया और इसको मैं पब्लिश करता हूँ। तो वैसे जरूरी नहीं है कि वो हमारा कीवर्ड इस कैप्शन में आए, ये देखें कि जब आप इसको अपलोड करेंगे देखें वो आपकी कैप्शन यहाँ आ रही है, जो आर्ट आएगा वो बैकएंड पे चला गया कोडिंग में, कैप्शन आपकी उस इमेज के नीचे आती जो कि सर्च इंजन और यूजर दोनों के लिए आपको बेनिफिट देगी। सर्च इंजन भी देखेगा कि आपने अपना एक प्रॉपर इस इमेज को डिस्क्राइब किया थ्रू कैप्शन, और यूजर भी इस इमेज यूजर के लिए भी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आपने कैप्शन में दी हुई। कल को जब आपका इमेज इधर नजर आ रहा होता है गूगल में जाके जब आप सर्च करते हैं इधर भी देखें चीजें आपकी नजर आ रही, जो आपने अच्छी कैप्शन दी होती है वो जहां भी नजर आ रही होती है यहां से भी लोग देख लेते हैं कि इमेज क्या है। क्या क्वेश्चन कर रहे थे लोग बाकी और बात करने सर हमारे में बात कर रहा हूँ सर, ये जो इमेज आपने बताया कि हम थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं ताकि वो कॉपीराइट का इशू ना हो, तो जो डिजाइनर वगैरह होते हैं प्रो मतलब वो तो यूज कर लेते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर, तो हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर मतलब इसके लिए यूज करें? इसके लिए एक आसान सा सॉफ्टवेयर है जो कि जिसके लिए मेरा ख्याल अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो अपनी 15-20 मिनट की शेयर कर दूंगा आपके साथ जो आपका मसला हल कर देगी, जिसकी देखिए डिजाइनर 80% डिजाइनर भी यही काम करते हैं कि इंटरनेट से उठा के ही वो उसी को, क्योंकि वो डिजाइनर नहीं बेसिकली होते, वो टूल को चलाना जानते हैं और वो इंटरनेट से इमेज उठा के उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। लेकिन अगर आप भी उस लेवल तक जाना चाहते हैं तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है वो आप ट्राई करें, उसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास उसकी वीडियो है, मैंने अपने ही एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ, उसमें जितना डेली पाकिस्तान वाले ने काम किया हुआ था ये काम तो 10 मिनट में हो जाएगा। उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, उसके लिए जो सबसे आसान सॉफ्टवेयर है मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ के नाम से, ये आसान है
और ये बेसिकली बना ही सोशल मीडिया के लिए। आपको कह लें कि एक 15-20 मिनट इसको टाइम देंगे, ये सॉफ्टवेयर आपको समझ आ जाएगा, समझे जी। तो मैं आपको इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, उस लिंक को आप वीडियो को सुने और सुन के आपको अगर ठीक है सर, थैंक यू, वो शेयर कर दीजिएगा फिर आप। मैं कर देता हूँ क्लास के पास। ये बच्चे तरह तक क्वेश्चन फिर अगली बात है। अगली डिस्कशन आ जाए वो कह लें कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, मैंने शुरू में इस पे बात भी की थी, इस पे हमने बात करनी है गूगल बिजनेस में। गूगल बिजनेस का मतलब ये कि मैं गूगल मैप की बात कर रहा हूँ, और ये वाला लेक्चर का ये वाला पोर्शन अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट पोर्शन है लेक्चर पहले ये वाला। लोकल बिजनेस का मतलब आपको सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे SEO की डॉक्टर हैं, स्कूल है, कॉलेज है आपका, आप वकील हैं आप, और ऐसा बिजनेस जिसमें कस्टमर ने आप कॉल करनी, जैसे कह लें ऐसा बिजनेस जिसमें कस्टमर ने आपको कॉल करनी, ऐसा बिजनेस जिसमें कस्टमर आपको विजिट कर सकता है, उसके लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट, स्पेशली मैंने कहा लोकल बिजनेस के लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑप्शन। अगर आपका गूगल एडसेंस वगैरह का काम है, गूगल एड से अर्न करना तो शायद ये उतना इंपॉर्टेंट ना हो आपके लिए, लेकिन लोकल बिजनेस के लिए मैंने कहा वो बिजनेस जिसमें कॉल और विजिटर आपको विजिट करता है, बैंक इंतहाई इंपॉर्टेंट, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, और सोशल मीडिया के लिए तो मैंने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हॉस्पिटल आपके पास है तो इम्पोर्टेंट। आप लोग जानते हैं कि गूगल में जब भी आप सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर मैप आता है, मैप का रिजल्ट आता है, खासतौर पर अगर आप लाहौर के साथ सर्च करें, पाकिस्तान के साथ सर्च करें, डिफरेंट सिटी कीवर्ड के साथ सर्च करें, पे तो मैंडेटरी है, जब भी सर्च करेंगे ऊपर आएगा आपका। कि आपका गूगल मैप टॉप पे नजर आ रहा हो, जिस तरह वेबसाइट के कीवर्ड्स होते हैं इस तरह इसके भी कीवर्ड्स होते हैं, जिस तरह वेबसाइट रैंक करती है ये भी रैंक करता है, वेबसाइट टाइम लेती है जो जल्दी रैंक करता है। सबसे पहले तो आपने प्लान करना है कि आपका बिजनेस किधर है, किस एरिया में आपका बिजनेस है, उसी के मुताबिक जो वर्किंग आपकी होगी। अगर आपका कोई बिजनेस उस एरिया में है जो फेमस एरिया है, जैसे लाहौर में गुलबर्ग हो सकता है, जौहर टाउन हो सकता है, DHA हो सकता है, ये वो एरियाज हैं जहां आपको बिजनेस अच्छा मिल सकता है। Thank you.
उसके लिए आप गूगल बिजनेस को इस्तेमाल करें, जिससे आपको विद इन मंथ अच्छी क्वेरी, अच्छा आपको कॉल आएगी। इसके लिए करना क्या होगा, आपने पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट। फर्ज करें कि आप जाएं गूगल में, और गूगल में जाके जब आप ऑल सर्च करते हैं तो इसमें ये नजर आएगा आपको। अच्छा आप देखिए, मैंने जनरल कीवर्ड सर्च किया तो मैप नजर नहीं आ रहा। आप कोई ऐसा सर्च करें जिसमें कोई लोकल बिजनेस हो तो बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट नजर आएगा। फर्ज करें मैं कहता हूं कि चलो अगर मैं अपने कीवर्ड सर्च करता हूं, मैंने ये कीवर्ड सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेंगे तो आप देखें साथ ही गूगल मैप नजर आना शुरू। अब अगर आप की वेबसाइट है तो वेबसाइट इसके बाद होगी। अच्छा इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, अब देखिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, जो नीचे वेबसाइट नजर आ रही है ज्यादातर वेबसाइट बाहर की है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, लोकल वेबसाइट उस तरह से नहीं है, बाहर की बड़ी वेबसाइट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर भी वो रैंक है, वो वेबसाइट पाकिस्तान के लिए भी काम करती है तो वो रैंक है। लेकिन गूगल मैप में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जहां बैठ के सर्च करें और इंडियन वेबसाइट टॉप पे हो, यूके यूएस की वेबसाइट टॉप पे हो, गूगल मैप के अंदर हमेशा लोकल बिजनेस ही टॉप पे होगा, जिसलिए आपका कंपटीशन भी लोकल मार्केट तक रह जाता है। और दूसरा ये कि जब आप गूगल सर्च करते हैं गूगल बिजनेस में, तो आप जहां बैठ के सर्च कर रहे होते हैं तो ज्यादातर जो रिजल्ट नजर आता है आपके जो करीब तरीन होगा वो आपको दिखाया जाएगा। और भी फैक्टर होते हैं उसमें, डिस्टेंस भी मैटर करता है कि आप जहां बैठ के सर्च करते हैं उसके करीब तरीन जो बिजनेस होगा जो आपको जो सर्विस दे सके वो आपको नजर आएगा। मसलन अगर आप सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो उसके करीब तरीन जो सर्विसेज देने वाली ऑप्शन होगी वो आपको दिखाई जाएगी। पांच छह फैक्टर और भी हैं कि रैंक कौन करेगा, लेकिन उसमें एक फैक्टर डिस्टेंस भी है कि आप जहां बैठकर सर्च करते हैं उसके करीब तरीन लोकेशन कौन सी है। इसके लिए करना क्या होगा, आपने सबसे पहले जाके आपने अपनी प्रोफाइल गूगल बिजनेस में ऐड करनी है। ऐड करने से पहले आप ये पॉइंट देख लें कि ऐड करने के बाद इसको हम रैंक कैसे, ये रैंक करने के कुछ पॉइंट्स। क्या आप प्रॉपर कीवर्ड से ऐड करें, आप उसमें सर्विसेज और प्रोडक्ट की ऑप्शन होती है, जैसे आप अपनी वेबसाइट में अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो इसमें भी जाके आप ऐड कर सकते हैं। तो प्रॉपर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐड करें, अपना प्रॉपर एड्रेस ऐड करें, उसको फ्रेश रखें, डेली अपडेट करें, इसके बैकलिंक क्रिएट करें, इसका ऑफ पेज करें, इसके अंदर अच्छे अच्छे रिव्यू लेके आए, लोग आपके बारे में अच्छे रिव्यू दें, और फिर ऑफिस की टाइमिंग आप जितना ज्यादा टाइम रखेंगे उतना बेहतर होगा। अगर फर्ज करें 24/7 रखेंगे तो 24 घंटे आपको कॉल आपको मैसेज आएंगे, डिपेंड करता है कि आपका ऑफ बिजनेस की सर्विसेज किस नेचर की। अगर आपकी सर्विसेज आप लेट नाइट बैठ सकते हैं तो फिर बेहतर है कि आप ऑफिस टाइम ज्यादा रखें, ये ऑप्शन मैं भी आपको दिखा दूं। गूगल में जब आपने इसी लैब करने जाना तो आपने गूगल बिजनेस लिखना जाके, आपके पास एक जीमेल का आईडी होना चाहिए। ये देखें बल्कि गूगल उसकी डेफिनेशन भी दे रहा है, आप पढ़िए डेफिनेशन।
अगर गूगल असल में गूगल ने 14 में इसको अनाउंस किया तब जिन लोगों ने टाइम पे इसको अपडेट कर लिया और अच्छा काम कर लिया वो रैंक है, वो आज इससे बिजनेस भी ले रहे हैं। क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इधर आए, इधर आपको ऑप्शन मिलेगी कि आपको देखिए ये देखिए आपने सिंगल लोकेशन ऐड करनी, मल्टीपल को लोकेशन इंपोर्ट करनी। आप पहले क्लिक करेंगे ऐड सिंगल लोकेशन पे, सबसे पहले पूछेगा आपके बिजनेस का नेम क्या है। अगर तो आपका नेम बहुत ज्यादा फेमस है, कोई ऐसा नेम है जिसको लोग जानते हैं, तो आप अपनी उस जैसे एमसीबी है तो एमसीबी का नेम दिया जा सकता है। और अगर आपका कोई बिजनेस नेम फेमस नहीं है तो फिर आप अपना कीवर्ड डालें, जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हो सकता है। अगर आपका जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नेम बाय नेम लोग आपको जानते हैं, तो फिर आप कंपनी का नेम देना चाहिए। लेकिन मैंने कहा अगर आपका बिजनेस ऐसा है लोग आपको बाई नेम नहीं जानते, तो फिर आपको जहां बिजनेस नेम नहीं देना चाहिए, जहां आपको अपना प्रॉपर एक कीवर्ड देना चाहिए। बस करें मैं कहता हूं कि SEO services in Lahore. जो भी बिजनेस, अगर आपका बिजनेस ज्यादा लग लेकिन अगर आपको लगता है बिजनेस आपका एक ही लोकेशन में, तो बेहतर फिर लाहौर लिखते हैं जा, इस तरह कुछ मैंने फर्ज के ये लिखा, वो मुझे बता रहा कि इस तरह का लोगों ने और भी ऐड किया हुआ जौहर टाउन में, तो मैं कहा नहीं ये मेरा नहीं है, मैंने नया ऐड करना है, मैंने ऐड किया। आप उसने कहा जी आपका बिजनेस नहीं, ये आपका मैंने कहा कीवर्ड हो सकता है, अगर वो कीवर्ड किसी और ने इस्तेमाल किया तो आप उसमें एक आध वर्ड का कुछ उसमें चेंज कर लें, जैसे बेस्ट हो सकता है, टॉप हो सकता है, एक आध वर्ड चेंज कर लें। लेकिन अगर वो किसी ने इस्तेमाल नहीं किया तो फिर तो आप आसानी से कर सकते हो एज इट इज। लेकिन अगर एक ही लोकेशन है तो मैंने कहा फिर पूरा बेहतर है कि लाहौर के साथ इस्तेमाल कर लें, अगर मल्टीपल लोकेशन है तो हम लोकेशन छोटी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसको नेक्स्ट करें, बिजनेस कैटेगरी पूछ रहा है वो आप बताएं, जो इसके अंदर कैटेगरी है अवेलेबल है उन्हीं में से आप ले रहे हैं, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज। नेक्स्ट पूछ रहे कि क्या आपके कस्टमर आपको विजिट कर सकते हैं, मैंने कहा यस। फिर उसने पूछा कि क्या उसने आपसे एड्रेस एड्रेस तो एड्रेस आपने पूरा देना, ये ना हो कि आप मेन मेन चीजें दे दें बाद में आपको लेटर रिसीव हो, पूरा एक डिटेल एड्रेस दें। नेक्स्ट, अच्छा वो आपको बता रहा है कि जो आपने जो एड्रेस दिया, कहता उस एड्रेस के ऊपर ये ऑलरेडी चीजें ऐड है, आप उसने वाबा टाउन में जो लोगों ने इस तरह से ऐड किया, वो कहता है जी ऑलरेडी वाबा टाउन से ऐड है, क्या आप इन्हीं में से कोई एक है? मैंने कहा नहीं भाई मैं इनमें से नहीं हूं,
तो आप वो ये कर दें, अगर इन्हीं में से कोई आपका एड्रेस है तो फिर आप कह सकते हैं भाई मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन अगर आप नहीं है तो फिर आप नन करें। मैंने कहा नन आप दी, और अब वो पूछेगा फिर आपका एड्रेस किधर है, किधर आपकी लोकेशन है, अब आपको बताना पड़ेगा कि फिजिकली आप कहाँ लोकेट करते हैं, तो आपने थोड़ा सा इसको क्लीप करके बता दें कि किधर आपकी लोकेशन है, जो लोकेशन आपकी बनती है एग्जैक्ट आपको वो बतानी पड़ेगी, ताकि आपको लेटर इस घर में इस पे आना। तो मैंने कहा मेरी ये लोकेशन है। नेक्स्ट कहता आपकी और भी लोकेशन है सर, द आउटसाइड ऑफ द लोकेशन, लोकेशन के बाहर भी सर्व करते हैं। मैंने कहा यस। नेक्स्ट, अच्छा अगर आपके पास और भी लोकेशन है तो आप और भी बता सकते हैं। आप कहते हैं जो मेरी सर्विसेज हैं वो और एरिया में भी हैं, सिर्फ इधर नहीं है। ये देखिए गुलबर्ग 3, आपने कहा DHA फेज 5, आप जिन और एरिया में भी सर्व कर सकते हैं वो आप एरिया जहां इसको बता सकते हैं। गार्डन टाउन, आप लाहौर की सारी लोकेशन ऐड कर लें, यानी कि आपने ये वो लोकेशन ऐड करनी जहां आप सर्विस दे सकते हैं, मल्टीपल ऐड की जा सकती है। अब वो पूछ रहे अपना नंबर भाई बताएं, जिस नंबर पे आपने ये सारा काम करना है नंबर कौन सा आपका, इसमें डेफिनेटली आप वही नंबर देंगे जो एक नंबर मल्टीपल टाइम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और को कोई यूनिक नंबर भी दे सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल लोकेशन ऐड की हो तो ज्यादा बेहतर है कि आप डिफरेंट नंबर इस्तेमाल करें, लेकिन एक एक नंबर डिफरेंट टाइम पे भी आप जहां यूज कर सकते हैं। तो मैं आपके इसके ऊपर नंबर देता हूं कि मेरा ये नंबर है, ताकि आपका जब प्रोफाइल नजर आएगी तो साथ वो आपका नंबर भी डिस्प्ले करेगा। फर्स्ट करें मैंने नंबर दिया इसको, उसने लोकेशन से देख लिया कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मुझे जहाँ नंबर देना है, मैंने कहा 302-527-2758 जो भी आपका नंबर है। नेक्स्ट करें, फिनिश करें, ठीक है भाई आपको लेटर आएगा तो किससे रابطہ किया जाए, आप जो भी आपका नेम है आप प्रॉपर नेम बताएं ताकि आपको इस एड्रेस पे लेटर आए 14 दिन के अंदर अंदर, वो बता रहा है आप उसको मेल दें। ठीक है ओके जी, लेटर भेज दें और इसको आप कंटिन्यू करें। आप समझे कि आपकी प्रोफाइल चलेगी, आपको लेटर आएगा, लेटर के अंदर एक कोड होगा, कोड से आप इसको कंफर्म कर सकेंगे कि ये आपका ही बिजनेस। तो आपने को और सर्विस भी ऐड करनी तो कर दें, नहीं करनी तो क्या आपका रिक्वेस्ट चलेगी। अच्छा जब आपकी जो रिक्वेस्ट चली जाएगी तो देन अब आपने क्या करना है कि जब तक वो लेटर नहीं आएगा तब तक आप इसको फर्दर अपडेट ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जब लेटर आ जाएगा तो फिर आपकी प्रोफाइल प्रॉपर, मैंने कहा उसकी वेरिफिकेशन प्रॉपर हो जाएगी। फर्ज करें कि मैं आपको अगर दिखाता हूँ कि जो प्रोफाइल मैंने वेरीफाई करवाई, मैं वो आपको दिखाता हूँ। फर्ज करें कि ये मेरी एक प्रोफाइल है जो वेरिफिकेशन जिसकी हुई है। अब इसमें आपने करना क्या होगा वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम कि इसमें जो लेफ्ट पे ऑप्शन आ रही है, मैंने जो फाइल में लिखा था उसके मुताबिक आपको बताता हूँ। पहले तो आपने कीवर्ड से ऐड किया, अब आ जाए प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसमें एक ऑप्शन होती है कि जो आपकी प्रोडक्ट है सर्विसेज है वो आप जहाँ से ऐड करें। ये वही बात है जैसे वेबसाइट में हम प्रोडक्ट सर्विसेज ऐड करते हैं कि डेवलपर है ये करते हैं वो करते हैं, तो आप बताएं इसमें जाएं प्रोडक्ट ऐड करें, जिस तरह मैंने अभी अपनी सारी प्रोडक्ट ऐड की हुई है कि मैं क्या क्या सर्विस देता हूँ। इसी तरह आप अपनी सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट में वो प्राइस वगैरह पूछता है, सर्विसेज में वो चीजें नहीं पूछता, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। देखिए ये पूरी वेबसाइट है आपकी, अगर आप जहां नहीं ऐड करेंगे तो ऐसे ही होगा जैसे वेबसाइट के अंदर आपने प्रोडक्ट सर्विसेज का जिक्र नहीं किया। तो आप जाएं जहां जाके वो आपको ऑप्शन देगा, जहां से देखें जितनी मर्जी सर्विसेज आप ऐड करते जाएं, आप क्लिक करें वो आपसे पूछेगा कौन कौन सी सर्विस आप जहां से ऐड करते थे। जब आप प्रोडक्ट सर्विसेज ऐड होंगे फिर आ जाए एड्रेस, आपने प्रॉपर इसको अपना एड्रेस बताना है, फेक एड्रेस नहीं होना चाहिए, राउटेबल एड्रेस हो। तो मैंने अगर जाके देखें तो इसमें प्रॉपर इसको हमें बताएगा कि मेरे घर का एड्रेस क्या है या मेरे ऑफिस का एड्रेस क्या है, तो इन्फो पे जाके मैं दिखाता हूँ प्रॉपर हमने इसको जो एड्रेस बताया हुआ है।
और एड्रेस के साथ तो वर्किंग आवर बताएं, 24 डिपेंड करता है आप कब तक सर्विस दे सकते हैं, और फिर अपने नंबर, अपनी वेबसाइट, सारी ऑप्शन आपने दी होती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं आपकी, सारा आपने इसको फिल किया। अच्छा इसमें आ जाए, आपको इंपॉर्टेंट चीज जो है इसको फ्रेश रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें फ्रेश रखना है इसको। आप इसको अपडेट करके रहें, अगर अपडेट नहीं करेंगे तो ये रिस्पॉन्स नहीं देगा। मैंने कहा अपडेट कर लेंगे तो वेबसाइट से पहले रिस्पॉन्स आएगा इसका। अब अगर देखें तो मैं अगर आपको अपनी इसमें पोस्टें दिखाता हूँ तो आप देखें डेली पोस्ट इसमें हम कर रहे होते हैं। ये देखिए एक वीडियो अपलोड की गई, इसकी अगर आप डेट देखेंगे 18 घंटे पहले, फिर एक दिन पहले पोस्ट की गई, इस तरह इसको हम अपडेट करते रहते हैं। 3 दिन पहले पोस्ट की गई, जो फेसबुक पे पोस्ट डिजाइन करेंगे जहां लाके भी रखेंगे, इसकी अपनी ट्रैफिक है और अच्छी अच्छी खासी ट्रैफिक है इसकी। तो आप मैं आप ट्रैफिक कितनी आप इससे ले सकते हैं, मैं आपको इंसाइट दिखाता हूँ कि कितनी ट्रैफिक इससे हम एक से लेते हैं। ये देखिए वो मुझे बता रहा है कि आपको किन किन कीवर्ड से ट्रैफिक आई है। अब कीवर्ड देखते हैं कितने रेलिवेंट कीवर्ड है जिनसे ट्रैफिक आ, और फिर नीचे वो आपको पूरा बताता है कि कितने लोगों ने आपको 2 मंथ में देखे, जान देता सॉरी 1 माह में कितने लोगों ने आपको व्यू। अगर आप होम पेज पे आके देखेंगे तो आपको वो जहां भी चीजें बता रहा होता है, ये देखिए वो कहते हैं सर्च में आप इतना नजर आए और मैप व्यू इतना है। अब तो कोरोना से कम है तो लोग अभी उसे की कर रहे हैं, अभी जब भी कोरोना नहीं था तो नंबर आपका मेरा 4000 पर टच कर रहा था, कितने मेरे व्यू हुए वेबसाइट की एक प्रोफाइल पे। इस तरह की मैंने और भी प्रोफाइल काफी ऐड की हुई, ये मैंने कहा कोरोना की वजह से कम हो गए, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग अब ट्रेवल नहीं करते, मूव नहीं करते। जब कोरोना शोना ना होता तो जहां मैंने कहा 4000 की फिगर लगी हुई थी एक प्रोफाइल पे, वेबसाइट के अलावा सोर्स है ट्रैफिक का। फिर इसके टैकलिंग पे बाद में आते हैं। फिर इस पर रिव्यू की ऑप्शन बड़ी सॉलिड मानी जाती है, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आप अच्छा काम करेंगे अच्छे रिव्यू मिलेंगे, जितने रिव्यू आपके अच्छे होंगे। देखिए रिव्यू में आपकी रेटिंग गिनी जाती है कि आपकी रेटिंग कितनी 5। जब गूगल में लोग सर्च करते हैं, अगर जाके आप गूगल में देखें, मैं आपको दिखाता हूं कि आप में आ जाए, अगर आप लिखें फर्ज करें मैंने डिजिटल मार्केटिंग लाहौर लिखा, तो जो भी नजर आएगा टॉप पे उसकी देखेंगे 7 उसकी रेटिंग नजर आती है। और बल्कि गूगल आपसे पूछता भी है कि आपने किस रेटिंग वाला बंदा देख रहे हैं, आप रेटिंग बता सकते हैं मुझे इस तरह की रेट, इस तरह की प्रोफाइल दिखाएं और सबसे अच्छी रेटिंग 4.5 आप क्या सकते हैं, मुझे सिर्फ वो दिखाओ जिनकी रेटिंग 4.5 है। तो आप अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो आप यकीनन टॉप पे आएंगे, और नॉर्मली रेटिंग अच्छी वाले की प्रायोरिटी ऊपर रखी जाती है कि इसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ऑफिस की टाइमिंग बात दफा लोगों ने 5 बजे तक रखी होती है, इसमें एक ऑप्शन होती है कि आपने किसको देखना है, जो ओपन ऑफिस उस पर्च करें, कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लेना चाह रहा है, अगर वो रात को 8 बजे सर्च करेगा, अगर आपने 9 से 5 रखा होगा तो आप सर्च में आने के चांस कम हो जाएंगे। अगर वो ये सर्च करता है मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो 24/7 बैठा होता है, ऐसा बंदा चाहिए जो भी ओपन है, तो अगर आप 9 से 5 आप रखेंगे तो 6 बजे वाली सर्च में आप टॉप पे नजर नहीं आएंगे। अब आपने बिजनेस देख के ये डिसाइड करना कि आप कब तक बैठे हो। फिर आखिरी बात बच्चों, जब सारा कुछ आप कर लेते हैं तो आपकी पूरी ये एक वेबसाइट बन जाती है। अगर आप इसको बैठ करके देखेंगे, ये देखें इस पे एक ऑप्शन होती है वेबसाइट की, जो आप अपलोड करेंगे गूगल उसकी वेबसाइट बनाता जाएगा। ये देखिए पूरी वेबसाइट आपकी, जो जो अपडेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट में आता जाएगा। देखिए जो सारी ये, और अगली बात है कि जब आप इस पे पोस्ट करते हैं तो हम इससे बैकलिंक भी लेते हैं। देखिए ये अपनी गूगल से बैकलिंक हमने लिए हुए, गूगल अलाउ करता है कि आप अपने बैकलिंक जहां दे सकते हैं, लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे भी आएंगे, बैकलिंक भी बनेंगे, और जो वेबसाइट इसमें बनेगी उसका प्रॉपर गूगल आपको URL देता है। आप इस URL को अगर गूगल में जाके ओपन करेंगे तो ये आपको समझ आएगी, ये गूगल में इंडेक्स होगा जाके। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने गूगल में अपना URL सर्च किया तो देखें वो मेरे दिखाएगा आप, ये देखें ये सारे मेरी पोस्ट हैं गूगल में इंडेक्स हैं, जो मैंने गूगल बिजनेस में ऐड की वो भी इंडेक्स हैं। तो आपको अच्छी खासी जहां से ट्रैफिक आती है
बार दफा गूगल के सर्च में आपकी की पोस्ट से टॉप पे आ रही होती। लोग बना लेते हैं, अपडेट नहीं करते हैं। हम फेसबुक से ज्यादा प्रायोरिटी इसको देते हैं कि फेसबुक रह जाए, लेकिन गूगल बिजनेस अपडेट होना चाहिए, अच्छे कीवर्ड के साथ इसमें आर्टिकल लगाते हैं। और फिर अगर आप इसको ऑफ पेज करना चाहेंगे तो आप इस यूआरएल को बैकलिंक कर सकते हैं। जब हम ऑफ पेज पढ़ेंगे तो आप इसको याद आ जाएगा आपको कि हम इसको बैकलिंक करवा लें। बैकलिंक इसके बनेंगे तो ये भी प्रोफाइल और टॉप करने का चांस बढ़ेगा। कल को गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो आपकी पोस्ट की गई चीजें गूगल की सर्च में आ सकती हैं, रैंक। तो आप लाहौर के मल्टीपल लोकेशन ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल लोकेशन का मतलब था कि एक एड्रेस आपका मेन है, आप किसी दोस्त का एड्रेस किसी और सोसाइटी से ऐड कर लें, जो बड़ी सोसाइटी है लाहौर की, उससे होता है कि आप उस सोसाइटी के अंदर भी रैंक हो जाएंगे, आपको वहां से भी कॉल आ सकती है। जी बच्चों को जहां बात कर जब प्रॉपर नेम नहीं मिलता, नेम ऐसे ही होता है जैसे वो गूगल का नेम साथ चलेगा आपका, यूनिक नेम नहीं मिल सकता। आप हर चीज को डाल सकते हैं। मैंने कहा नॉर्मली जो भी शहजाद साहब पूछ रहे हैं, हर बिजनेस को डाला जा सकता है, लेकिन ये आपने देख लेना कि फिर मैं गूगल एडसेंस के साथ काम कर रहा हूँ तो ये ऑप्शन ज्यादा सूटेबल नहीं है, बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं देगी, लेकिन कर सकते हैं आप। लेकिन बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज के बिजनेस में तो बहुत ज्यादा इसका रोल है। जी बच्चों को लाइव शेयर भी कर रहे हैं कि मुझे सुनते जा रहे हैं? रहे हैं आपको मतलब ये न्यू है तो फर्स्ट टाइम जरा यही सुन रहे हैं, जिसके बाद करते हैं फिर बस इसको आप देख लें कि बिजनेस की सूरत हाल तो कोरोना की वैसे किधर जा रही है, इसको ठीक करें, ऑनलाइन इसको प्रैक्टिस करें और जो कर रहे हैं इनको साथ साथ रिवाइज करते जाए, क्योंकि इन तीन चार आप देखें कल को अपना काम शुरू करेंगे, वेबसाइट भी आपके पास होगी, फेसबुक पेज बन जाएगा, गूगल बिजनेस में आप ऐड हो जाएंगे, ये तीनों चीजें मिलके बिजनेस देंगी आप। मैंने मेरा अपना ख्याल है गूगल बिजनेस सबसे पहले रिस्पांस देता है। गूगल बिजनेस को अगर आप महीने डेढ़ महीने एफर्ट कर लें आप रैंक हो जाते हैं। और फिर मैंने कहा मल्टीपल क्वेश्चन से आप ऐड कर लें, किसी दोस्त का एड्रेस ले लें एसईओ में, तो जिसने आपके पास आना उसने कॉल करके जाना, और बार दफा मैंने खुद भी बहुत डिफरेंट नेम से बार दफा गूगल में सर्च करते हैं तो तीनों नंबर तीनों एड्रेस मेरे आ रहे होते हैं। ऐसे हो चुका है तो आप जब तीनों ही आप होंगे भाई, मेरे पहले नंबर पे भी आपको कॉल आती है, वो बंदा दोबारा कॉल करता है दूसरे नंबर पे फिर भी आपके पास ही आते, तो आपके लिए थोड़ा सेल आसान हो जाती है जब आपको ज्यादा कॉल आते। ठीक है बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह कल बात करते हैं दोबारा, फिर 8 बजे बैठते हैं, कोशिश करें कि 8 बजे आ जाएं ऑनलाइन, ताकि हम टाइम पे क्लास शुरू कर दें। 8 बजे कल दोबारा बैठ के बात करें।